सब्सक्राइब कीजिए लखनऊ बॉयज वन चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं चैनल लखनऊ बॉयज वन। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे नेशनल कार बाजार आ गया। जैसा देख सकते हैं, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे भाई आप हमें 1 लाख वाली गाड़ी दिखाइए, 1.5 लाख वाली गाड़ी दिखाइए, 2 लाख तक की आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आया। तो अगर यहाँ पे गाड़ियाँ देखी जाए तो आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगी, इनोवा मिल जाएगी, अल्टो मिल जाएगी, i10 मिल जाएगी और होंडा सिविक भी मिल जाएगी। तो चलते शॉप के ओनर के पास, एक एक की डिटेल जानते हैं, तो वीडियो शुरू होते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। ब्रिजेश साहू। अच्छा, आपकी कार बाजार का क्या नाम है? नेशनल कार बाजार। अच्छा, स्टॉक में क्या क्या मिल जाएगा? मेरे पास स्टॉक में अल्टो मिलेंगी, इनोवा, स्कॉर्पियो, होंडा सिविक, होंडा सिटी और i10 है। अच्छा जी, एड्रेस बता दीजिए एक बार। एड्रेस हमारा ये फरीदीपुर चौराहा। अच्छा, ये नियर पड़ता है बुद्धेश्वर चौराहे के पास। अच्छा, दुबग्गा के पास। दुबग्गा से आप बाईपास जो लेंगे, हरदोई कानपुर बाईपास है जो, इसी पे पड़ता है। स्टार्टिंग कितने से अपने पास? स्टार्टिंग मेरे पास ये अल्टो है, 2009 मॉडल है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपये है। 2009 मॉडल है। 2009 मॉडल। और कितने किलोमीटर चल गई है ये? चली है वही 70,000 किलोमीटर। ओनरशिप कितनी रहेगी? ओनरशिप इसकी है थर्ड। थर्ड ओनर। अंदर क्या क्या मिल जाएगा? अंदर मिलेगा इसमें 2 पावर विंडो मिलेंगे और एसी पावर हीटर। अच्छा, सीएनजी पे है? नहीं, ओनली पेट्रोल। ओनली पेट्रोल। और क्या माइलेज निकल आता है इसका? माइलेज अल्टो का निकलता है वही 20 का देती है माइलेज। अच्छा, 20 का मिलता है, निकल आता है। हाँ, पेट्रोल पे डिमांड कर रहा है। हाँ, 1 लाख रुपये डिमांड। और इसमें कुछ कम हो जाएगा? हाँ, निगोशियबल हो जाएगा। और दूसरी कौन सी गाड़ी दिखा रहे हैं? इसके बाद आइए, इसके बाद हमारे पास ये i10 है। i10 जी, 2008 मॉडल है ये, फर्स्ट ओनर है। और कितने किलोमीटर चल गया? किलोमीटर चली है वही 60,000। और जेन्युइन चली है? जेन्युइन चली है। और मीटर बैक तो नहीं रहेगा अपने पास? मीटर बैक कोई नहीं कराते हैं। ऑनरशिप फर्स्ट है? ऑनरशिप फर्स्ट है, सेकंड चाबी है। ये i10 है डिलाइट। हाँ जी, टायर की बात कीजिए। टायर तो गाड़ी में बढ़िया है, सब टायर अच्छी कंडीशन में टायर पड़े हुए हैं। और सीएनजी पे? ओनली पेट्रोल है। ओनली पेट्रोल। और क्या माइलेज निकला है इसका? माइलेज का निकलता है 16-17 का। 16-17 का। और क्या डिमांड है इसकी? डिमांड है 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये। 2008 मॉडल, फर्स्ट ओनर। एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं है? नहीं, एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है। अपना मैकेनिक लाके चेक करा सकते हैं? अपना मैकेनिक लाएं, चेक करा लें, कंपनी में जाके चेक करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दूसरी कौन सी आ गई है? ये है होंडा सिविक, ऑटोमेटिक है। हाँ। 2008 मॉडल है। हाँ। कितने किलोमीटर? पेट्रोल, सीएनजी फिटेड है, सीएनजी पेपर पास नहीं है। अच्छा, सीएनजी फिटेड है। सीएनजी फिटेड है। और टायर की बात कीजिए। टायर वगैरह सब बढ़िया है, अच्छी कंडीशन में टायर, अलाइबल भी लगे हुए हैं। कितने किलोमीटर चल गए ये? 58,000 किलोमीटर। 58,000। जेन्युइन चली है। और फर्स्ट ओनर है? नहीं, ओनर इसका फोर्थ है। फोर्थ ओनर जी। और क्या डिमांड है? इसकी डिमांड है 2,50,000 रुपये। 2,50,000। हाँ, हो जाएगा। और फाइनेंस की अपने पास सुविधा? फाइनेंस सुविधा है। और कौन से मॉडल से फाइनेंस हो जाएगी? 2013 मॉडल से। 2013 मॉडल है। ये वाली कैश लेनी पड़ेगी? हाँ, ये सब कैश लेनी पड़ेंगी। एक्सचेंज का ऑफर है, अगर कोई बायर आता है उसके पास कोई गाड़ी है एक्सचेंज करना चाहता है तो एक्सचेंज कर ले, एक्सचेंज का ऑफर है। कस्टमर की गाड़ी का जो बायर होगा उसकी गाड़ी का वैल्यू लगा के, अपनी गाड़ी की वैल्यू से लेस करके बाकी पेमेंट कर दें, गाड़ी हमसे ले लें। कोई सी भी गाड़ी हो? कोई भी गाड़ी हो। और कोई सा भी मॉडल? हाँ, कोई मॉडल हो। ये भाई कौन सी है? इनोवा। ये है हमारी गाड़ी इनोवा G4, टोयोटा की इनोवा है, 2012 मॉडल है। 7 सीटर, सेकंड ओनर है, गाड़ी 1,25,000 किलोमीटर चली है। 1,25,000। जेन्युइन चली है? जेन्युइन है, कंपनी रिकॉर्ड। एक्सीडेंटल तो नहीं है? नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है। और सेकंड ओनर? और कितने किलोमीटर चली है? 1,25,000 किलोमीटर। और डीजल पे है? हाँ, डीजल है। और क्या माइलेज निकला था इसका? माइलेज का 14-13। अच्छा, 14-13 का निकला था। 2012 मॉडल G4 डबल AC। क्या क्या मिल जाएगा अंदर? इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, 4 पावर विंडो हैं, 2 एयर बैग हैं और फुल AC गाड़ी है।
आपको ले सकते हैं। और क्या डिमांड करना है? डिमांड इसकी है 5,40,000 रुपये। 5,40,000 रुपये 2012 मॉडल। जैसे हमारे चैनल की तरफ से आएंगे तो आपके चैनल के माध्यम से आएंगे तो डिस्काउंट तो हम करते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर देंगे, ट्रांसफ़र क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र करवा देंगे अपने पास से। ट्रांसफ़र चार्ज यानी तब नहीं पड़ेगा? ट्रांसफ़र चार्ज नहीं पड़ेगा, आपके चैनल के माध्यम से जो कस्टमर आते हैं उनका जो भी डील होगी हम ट्रांसफ़र अपने पास से जो है अपने मैं बेयर करूँगा उसको। स्कॉर्पियो की डिटेल बता दीजिए। स्कॉर्पियो ये है 2011 मॉडल है, डीजल है, इसका UP 43 नंबर है और थर्ड ऑनर गाड़ी है ये। UP 43 कहाँ पड़ जाए? बहराइच। अच्छा, बहराइच की गाड़ी है। और कितने किलोमीटर चल गई है ये? समथिंग चली है वही 90,000। 90,000 चली है। ऑनर इसका थर्ड है। थर्ड ओनर जी। और टायर की बात कीजिए। टायर इसके सारे अच्छे हैं, गाड़ी भी अच्छी है, गाड़ी पे कोई काम नहीं है, गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है। और क्या माइलेज निकलता है इसका? माइलेज इसका वही 14,000 का निकलता है। क्या क्या मिल जाता है अंदर इसमें? मिलेंगे 4 पावर विंडोज मिलेंगे, पावर स्टेयरिंग और म्यूजिक सिस्टम, एसी हीटर, सब कुछ है। और क्या डिमांड बताइए? इसकी डिमांड है 3,80,000 रुपये। 2011 मॉडल में। फाइनेंस तो हो नहीं पाएगी? फाइनेंस नहीं हो पाएगी। ये 2011 मॉडल अल्टो है, CNG फिटेड, 2022 तक बीमा है, अगस्त तक। अच्छा। गाड़ी चली है 62,000 किलोमीटर। इसकी डिमांड 1,55,000 रुपये। और कितने किलोमीटर चल गई है ये? चलिए 62,000 किलोमीटर। सेकेंड ऑनर है। बताइए 1,55,000। 78 कहाँ का नंबर? ये कानपुर का नंबर है। कस्टमर जो बायर जहाँ भी NOC चाहेंगे हम NOC दे देंगे उनको। लखनऊ की भी चाहेंगे वहाँ की? लखनऊ चाहेंगे लखनऊ की दे देंगे, कानपुर का कस्टमर होगा कानपुर में ट्रांसफ़र करा देंगे। अंदर क्या क्या मिल जाएगा? अंदर मिलेगा इसमें पावर स्टेयरिंग मिलेगी, हीटर मिलेगा, AC मिलेगा। और क्या माइलेज निकलता है इसका? CNG पे माइलेज इसका 30 प्लस का है और पेट्रोल पे 20 का। इसमें CNG लगी है? इसमें CNG फिटेड है, पेपर पास भी है। आई10 है ये भाई? ये आई10 2010 मॉडल है, स्पोर्ट्स टॉप मॉडल। कितने किलोमीटर चल गई? ये 43,000 ऑन रिकॉर्ड चली हुई है। ओनरशिप कितनी रहेगी? ओनरशिप इसकी है थर्ड। थर्ड ओनर जी। अंदर क्या क्या मिल जाएगा? अंदर इसमें 4 पावर विंडोज मिलेंगे आपको, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, AC पावर हीटर, ऑल पावर विंडोज हैं, पीछे ग्लास वाइपर है ग्लास पे। ओनरशिप फर्स्ट रहेगी ना? नहीं, ये ओनरशिप थर्ड है। थर्ड ओनर। और क्या डिमांड है इसकी? डिमांड 165 की है। 165 1,65,000। हाँ जी। और CNG लगी इसमें? नहीं, ओनली पेट्रोल है। ओनली पेट्रोल। अब पेट्रोल पे क्या माइलेज निकलता है इसका? पेट्रोल पे माइलेज देती है वही 17-16 18। 2010 मॉडल, स्पोर्ट्स टॉप मॉडल। 65,000। सिटी की डिटेल बता दी भाई। होंडा सिटी हमारे पास 2007 मॉडल है, एक 2008 मॉडल है। होंडा सिटी ZS दो हैं, एक वाइट कलर की है और एक आपकी वही सिल्वर कलर की है। अच्छा। ये गाड़ी 7 वाली डिमांड है, 1,80,000 रुपये। ZX से टॉप मॉडल, फर्स्ट ऑनर। अंदर क्या क्या मिल जाएगा? अंदर टॉप मॉडल है, ऑल 4 पावर विंडोज मिलेंगे, चारों पावर विंडो। अच्छा, हाँ, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, AC पावर हीटर, टॉप मॉडल में सारे फीचर्स होते हैं वो सारे मिलेंगे। ओनरशिप कितनी रहेंगी? ओनरशिप फर्स्ट है, दोनों की फर्स्ट है। अच्छा, दोनों फर्स्ट ऑनर है। और क्या माइलेज निकलता है इसका? अब पेट्रोल पे डीजल? 15 पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल पे। पेट्रोल है, 2007 है, 2008 है। अच्छा। इनका माइलेज होंडा सिटी का निकलता है वही 15 का माइलेज देती है, 15-16। अच्छा, 15-16 निकलता है। 15-16 देती है। और भाई फाइनेंस का कुछ बता दीजिए। फाइनेंस मैंने बताया है, फाइनेंस जो गाड़ियाँ होंगी हमारी 2012 के बाद की 13-14 होंगी वो फाइनेंस होंगी, और ये 12 से लेके नीचे जो मॉडल होगा वो फाइनेंस नहीं हो पाएंगे। डाउन पेमेंट बैंक वैल्यू लगाएगी, मान के चलिए वैल्यू जो गाड़ी की आएगी वो 70% जो है फाइनेंस होता है, 30-35% उनको डाउन पेमेंट करना होगा। 30-35% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और कौन कौन से पेपर्स लगते हैं फाइनेंस में? पेपर कस्टमर की ID, एड्रेस और उनका बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस प्रूफ। और कहाँ के लोग लिए है फाइनेंस? लोकल लखनऊ का होगा तो लोकल लखनऊ में होगा, बाहर कोई बंदा बाय करना चाहता है जैसे अदर स्टेशन का है, आसपास के ज़िले हैं, हरदोई हो गया, रायबरेली हो गया,
इधर आपका सीतापुर हो गया, कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, बाराबंकी हो गया, तो वहाँ भी ब्रांचेस हैं बैंकों की, वो भी वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फाइनेंस भी हो जाएगी इन लोगों के लिए? हाँ, फाइनेंस हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।